दोस्तों इंडिया में दो ही चीज़ काम करती हैं जब खाने की बात आती है, या तो स्पाइसी या फिर चीज़ी। तो आज हम एक ऐसी डिश बनाएंगे जिसे आप पहले से बनाते आए हैं, पर उसे देंगे दो नए ट्विस्ट। उसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली और साथ में डालेंगे बहुत सारा चीज़। आपके बच्चों को ये डिश बहुत पसंद आएगी। आज हम बना रहे हैं बेसन का चिल्ला चिली और चीज़ के साथ। चलिए ब्रेक के बाद जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका शेफ अमित वशिष्ठ। सबसे पहले बनाते हैं फिलिंग। इसके लिए मेरे पास है ये पनीर, जिसे मैं ग्रेट कर लेता हूं। तो पनीर को ऐसे आप जल्दी जल्दी ग्रेट कर लेंगे और इसमें डालते हैं कुछ सब्जियां। सबसे पहले मेरे पास है ये कैप्सिकम। कैप्सिकम को डाइसेस में काट लेता हूं। तो पनीर के साथ आएंगी ये बहुत सारी सब्जियां आपके चिले की फिलिंग में। अब मैं इसमें डाल रहा हूं एक क्यूकम्बर। हाँ जी, कुछ नया है, बट क्यूकम्बर भी डालेंगे आप तो बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा। लीजिए जी, तो दो काम हो गए हैं। अब बस हमें इसमें डालने हैं टमेटोस, और टमाटोस के भी हम बीज नहीं डालेंगे, बस हम इसे ऐसे साइड से काट लेंगे। लीजिए जी, अब मैं एक पैन ले लेता हूँ और पैन में मैं डालता हूँ थोड़ा ऑयल। पैन हो गया गरम, अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़े से जीरे के दाने। जीरा क्रैकल होने लग गया है, और ये अब सब्जियाँ हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये ज़रूरी है कि हम सब्ज़ी से पानी निकाल लें, वरना वो हमारे चीला को सौगी कर देंगी। इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा नमक, और इसे हम जल्दी से सौते कर लेंगे। करीबन 30 सेकंड, एक मिनट, जब तक थोड़ा सा पानी सब्जियों का निकल जाए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं ये बाकी पनीर, और इसमें साथ में डाल रहे हैं थोड़े चिली फ्लेक्स, थोड़ी हाथ से कुटी हुई काली मिर्च, और ये चाट मसाला, साथ में थोड़े बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, और एक बार इसे जस्ट मिला लेते हैं। तो देखिए जी, इसमें पनीर सिर्फ बीच बीच में दिखाई दे रहा है, और एक बहुत ही अच्छी सी वेजिटेबल और पनीर फिलिंग बन गई है। अब ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं ये चीज़, काफ़ी सारा चीज़, इसीलिए मैंने पनीर थोड़ा कम डाला था, और चीज़ डालने की वजह से ये मिक्सचर सारा एक साथ कंबाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये लीजिए, और इसे एक बार फिर से ऐसे कंबाइन कर देते हैं। तो इस पैन को हम साइड में रख देते हैं, और अब तैयारी कर लेते हैं बेसन का बैटर बनाने की। और ये बेसन हम इसमें डाल लेते हैं। आपको जितना बनाना है आप उतना ले सकते हैं। ये करीबन मैं 3 चमचे बेसन इसके लिए ले रहा हूँ। इस बैटर को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे फिर से थोड़े चॉप किया हुआ धनिया, साथ में थोड़ी काली मिर्च और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर, और मैं इसके अंदर डालूंगा एक हरी मिर्च अच्छे तरीके से स्लाइस कर। ये देखिए, आपको मिर्ची को बिल्कुल ऐसे पतला पतला स्लाइस कर लेना है। साथ में मैं डाल रहा हूँ थोड़ा बेकिंग पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही थोड़ा सा। और इसे अच्छा क्रिस्प बनाने के लिए मैं डाल रहा हूँ ये राइस का पाउडर। ये मेरा सीक्रेट है, अच्छा क्रिस्पी चिल्ला बनाने के लिए आपको डालना चाहिए राइस फ्लावर। अब इसमें डालते हैं पानी। पानी हमेशा उतना डालिए जितना आपको चाहिए, थोड़ा थोड़ा कर। एक बार मिक्सचर अच्छे से कंबाइन हो जाए फिर आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। ये देखिए, आपको ऐसे एक स्मूथ मिक्सचर बना लेना है। तो लीजिए जी, ये चिले का मिक्सचर अब तैयार हो गया है। इसे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद इससे बनाएंगे चिले। टोटल 10 मिनट लगे हैं अभी तक ये सारा काम करने में। अगले 5 मिनट में आपका ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। तो अब बारी आती है इसमें एक ट्विस्ट देने की। हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए। तो मैं इस बेसन के चिल्ले को, जिसे आप आज तक बोरिंग तरीके से खाते आए हैं, एक बिल्कुल नया मैक्सिकन टच दूंगा और बनाऊंगा एक बहुत ही अच्छी ऑलिव चिली और टमाटो साल्सा। चलिए इसे भी बना लेते हैं। प्याज को आपको बहुत फाइन काटना है, देखिए ऐसे। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स, इन्हें भी हम ऐसे स्लाइस कर लेंगे। और इसी तरीके से मेरे पास ये पहले से स्लाइस किए हुए ग्रीन ऑलिव्स हैं, इसे भी मैं एक बोल में डाल देता हूँ। साथ में डाल देते हैं ये अनियन और ब्लैक ऑलिव्स जो हमने अभी काटे हैं, और इसमें हम डालेंगे एक टमाटो, बट इस बार हम बीज नहीं निकालेंगे। तो लीजिए जी, ये टमाटोज भी अब हमारे कट गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक और हरी मिर्च। तो ये चिली और टमाटो भी गए बोल में। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ये टमाटो प्योरे, बस 1 टेबलस्पून सिर्फ, सारी सॉस को एक साथ मिलाने के लिए। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा लाइम जूस,
बस इतना काफ़ी है। और ये इसके अंदर कर देते हैं स्क्वीज। तो लीजिए बस अब हम इसमें डालते हैं ये काफ़ी सारा ऑयल, चाहे तो ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं या ये रेगुलर ऑयल भी काफ़ी है। और इसमें डालते हैं थोड़ा नमक, नमक डालना बहुत ज़रूरी है जो मैं मिस कर गया था अभी तक, और थोड़ी काली मिर्च। इसे भी सबको हम एक स्पून से ऐसे मिला देते हैं। ये सालसा हो गई हमारी रेडी। और फाइनली इसमें डाल देते हैं थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया। सालसा में धनिया डालना ज़रूरी है। तो जितनी देर हमारे चीले का बैटर 5 मिनट वेट करता रहा, हमने 5 मिनट में बना लिए बहुत ही खूबसूरत सालसा। ये देखिए मेरे पास ये पैन है जिसे मैं गैस पे रख रहा हूँ। गैस को थोड़ा मंदा ही रखेंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और एक पेपर टॉवल की सहायता से इसे हम थोड़ा वाइप कर देंगे। तो चलिए जी, बैटर तैयार है। तो आप देख सकते हैं ये चीले का बैटर कुछ ऐसा होना चाहिए, पतला पोरिंग। ये देखिए, और इस चीले को हम अपने चमचे से ऐसे फैला लेंगे। आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी साइड्स अच्छे से पतली हों। ये आप देख सकते हैं ये बुलबुले बेकिंग सोडा डालने की वजह से हैं, जिसकी वजह से चीला बहुत ही लाइट बनेगा। और क्योंकि हमने इसमें डाला है राइस फ्लावर, तो उसकी वजह से ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। अब इस पे डाल लेते हैं थोड़ा ऑयल, ऊपर भी और इसके साइड्स में भी। आँच को एक बार तेज़ करते हैं, और चीला हमेशा थोड़ी तेज़ आँच पे ही बनाया जाता है। अब हम इसे ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए कितनी आराम से उतर गया है, और इसे ऐसे ही दूसरी साइड से भी पका लेंगे। वाओ, तो दूसरी साइड बस आपको सिर्फ 30 सेकंड ही लगाने, उसके बाद आप जल्दी से इस चीला को पलटेंगे। वो फिलिंग जो हमने बनाई थी इसके लिए, वो इसमें ऐसे आप भर देंगे। तो अब जरा चीले को काट लेते हैं। ये देखिए फिलिंग कितनी ब्यूटीफुल लग रही है अंदर, वाव। और इसे हम सर्व करते हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत सालसा से, जो हमने इसके लिए स्पेशली बनाई है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बेसन का चीला बिल्कुल नए अंदाज में, जिसमें हमने डाला है काफ़ी सारा चीज़ और थोड़ी सी चिली, और इसके ऊपर ये सालसा इसे बहुत ही खूबसूरत भी बना रही है और स्वादिष्ट भी। आप देखते रहिए हमारा चैनल ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए। जल्दी मिलते हैं एक और बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। टेक केयर।